अलीगढ़ जिले में दूल्हे को अपनी शादी की खुशी में शराब पीना भारी पड़ गया, क्योंकि शराबी दूल्हे को देखकर दुल्हन भिदक गई और शादी से इनकार कर दिया। आरोप है कि दूल्हे ने शराब पीने के बाद जयमाला कार्यक्रम के दौरान जयमाला उतारकर फेंकी और शराब के नशे में दुल्हन पक्ष के लोगों से दहेज में लग्जरी कार की डिमांड कर डाली। शराबी दूल्हे को देखकर शादी समारोह में हंगामा हो गया, तो वहीं शराबी दूल्हे की हरकतों को देख दुल्हन ने भी शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन का शादी से इनकार करने के बाद दूल्हे का आरोप है कि दुल्हन पक्ष के लोगों द्वारा उसके साथ पूरी रात बारात को बंधक बनाकर रखा गया और बारात को खाना भी नहीं दिया गया था। दूल्हे पक्ष को बंधक बनाने की सूचना थाना क्वारसी पुलिस को दी गई। दूल्हे और बारात को बंधक बनाए जाने की सूचना पर पुलिस शादी समारोह के मंडप में पहुंची। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों द्वारा दूल्हे और बंधक बारातियों को दुल्हन पक्ष के लोगों के कब्जों से मुक्त कराया गया। हालांकि 6,10,000 रुपयों में दुल्हन और दूल्हे पक्ष में समझौता हो गया। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ जिले के थाना क्वारसी इलाके के साकेत कॉलोनी स्थित केशव वाटिका में गुरुवार की रात को एक शादी समारोह चल रहा था। शादी समारोह के जयमाला कार्यक्रम से पहले दूल्हे ने शराब का सेवन कर लिया, जिसके बाद शादी समारोह में हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल अलीगढ़ की चांदनी की शादी मुरादाबाद मिलक रामपुर निवासी रुपेंद्र के साथ तय हुई। 9 दिसंबर की रात शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। आरोप है कि दूल्हे ने अपनी शादी की खुशी में शराब पी ली। नशे की हालत में झूलता हुआ दूल्हा जयमाला के कार्यक्रम में पहुंच गया। जयमाला कार्यक्रम में दूल्हे को शराब पी हुए देख जयमाला हाथों में लिए खड़ी दुल्हन ने दूल्हे के शराब पीने को लेकर शादी से ऐतराज जता दिया। इसके बाद दुल्हन चांदनी का आरोप है कि दूल्हे रुपेंद्र ने जयमाला के बाद गले में पड़ी फूलों की माला को उतार कर फेंक दिया, जिसको लेकर कहासुनी भी हुई। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि दूल्हे रुपेंद्र ने लग्जरी कार की डिमांड रात को उनके सामने रख दी। दूल्हे को शराब पिया देख और गाड़ी के डिमांड होने पर मामला गर्मा गया और दोनों तरफ से शादी कार्यक्रम रुक गया, जिस पर दुल्हन चांदनी ने दूल्हे रुपेंद्र के साथ साफ तौर पर अपनी शादी उसके साथ करने से इनकार कर दिया। वहीं दूल्हे रुपेंद्र का कहना है कि उसने थोड़ी सी शराब का सेवन किया था। कार की डिमांड का आरोप गलत है। उसने कहा कि उसे यह नहीं पता था कि जयमाला के बाद फूलों की माला उतारना शुभ नहीं माना जाता, जिसके बाद शादी समारोह में खलल पड़ गया। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। दूल्हे पक्ष के लोगों का आरोप है कि हंगामे के बाद बारात को गेस्ट हाउस में रात भर बंधक बनाए रखा गया। बारातियों में खाना पीना किसी ने भी नहीं खाया। वहीं शादी समारोह में हंगामे की सूचना पर सुबह सुबह जब पुलिस पहुंची, तब जाकर के किसी तरह से मामला समझौते तक पहुंचा। बारात अच्छी खासी आई, लड़के ने ड्रिंक की थी बहुत ज्यादा। स्टेज पे आते ही उसने धूमधाम हंगामा करना शुरू कर दिया और गाड़ी की डिमांड रख दी कि मुझे 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, अगर नहीं मिली तो मैं तुझे घर पे जाके देखूंगा और जान से मार दूंगा। इसी बीच में हाथापाई हुई और मेरे को मारना शुरू कर दिया। फिर आपने क्या किया? मेरे को अब इस लड़के से शादी नहीं करनी है। लड़के का कहना है कि कोई डिमांड नहीं की थी हमने और कुछ पहले कोई डिमांड नहीं थी और एंड टाइम पे सारी डिमांडें निकल के आई कि हमें ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। अब एंड टाइम पे मेरे पापा कहाँ से ला के देंगे 4 पहिए की गाड़ी? मुरादाबाद। मुरादाबाद से बारात आई थी जी। तो क्या लड़के ने ड्रिंक भी कर रखी थी? बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी। अब परिवार वालों का क्या कहना है उनके? ये मुझे नहीं पता है। ना कोई विवाद हुआ ना कुछ हुआ, बात सारी थी कि स्टेज सारा फाइनल हुआ था, कंप्लीट हो गया, जो जयमाला पड़ती है कंप्लीट हुआ, जयमाला मैंने उतार के वो सीट जो फ्रंट सीट होती है वहाँ रखा, तो उनको ये शायद पसंद नहीं आया। अब मुझे पता नहीं था क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने शादी कर रखी है, तो मैंने जयमाला उतारा, मैंने रख दिया। अब मुझे ही नहीं पता कि नहीं उतारना चाहिए उसको, जो बरमाला होती फूलों की वो वाली है, बस यही था। फिर मैंने स्टेज लगी, उसके बाद में मैंने स्टेज लगने के बाद में वहाँ पर ही मैंने जयमाला वो फूल वाली माला उतार के रख दी, बस इतना ही बात हुई है। लड़की का कहना है क्योंकि आपने कुछ पैसों की डिमांड और गाड़ी की डिमांड? कोई डिमांड नहीं, इनका खुद का एस्टीमेट जो है कि उन्होंने बोला कि 1 लाख की गाड़ी हम दे देंगे, तो मैंने कहा कि आप 1 लाख की दे रहे हो तो मैं उसमें थोड़ा पैसा ऐड करके मैं अच्छी गाड़ी ले ले रहा हूँ, आपका एस्टीमेट तो 1 लाख का ही है, ऐसा कोई शो नहीं कर रहा कि आप नहीं ज़्यादा दो या वैसा कुछ दो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि आपने ड्रिंक कर रखी थी, उनके साथ मारपीट भी कर दी लड़की के साथ? नहीं, मारपीट का कुछ नहीं है ऐसा।
मारपीट कुछ नहीं है, मारपीट का तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि अकेला मैं कोई ना हूँ लड़की के सामने बैठा हुआ, वहाँ तो मैन स्टेज है, पूरा स्टेज है, तो ऐसा कहाँ हो सकता है कि मारपीट। स्टेज पे लड़की का कहना है कि स्टेज पे ड्रिंक की हुई थी और ड्रिंक करने के बाद वहाँ पर अपशब्द बोले। नहीं 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 नहीं, ना अपशब्द बोला हूँ ना कुछ बोला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रिंक कर रखी थी आपने? नहीं, ड्रिंक नहीं कर रखी थी। देखिए नॉर्मली बियर है, उन्हें वो पता है कि मैं पी लेता हूँ, बट बियर कोई मैंने पूरा नहीं पिया है ना, ओनली इतना सा नॉर्मली। अब वो भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई सोअप नहीं है ना कुछ भी ऐसा है। कहाँ से आई थी ब्रत? तहसील मिलो डिस्ट्रिक्ट रामपुर। तो रास्ते उन्होंने यहाँ पर बंद करके रख दिया है, उन्होंने एस्टीमेट जो है उन्होंने 3.5 लाख का हमसे बोला था, अब वो कह रहे हैं 10 लाख का हमारा खर्चा हुआ है। अब 3.5 लाख का जब बात चल रही है, 10 लाख का कहाँ से क्या? फिर कोई दिक्कत नहीं, हम उसमें भी एग्री हैं कि कोई नहीं, अब मगर आप पैसे ना करो, इतना सोअप कर रहे हो वो गलत है। हाँ सब बंद है और ना किसी ने कुछ खाया है ना पिया है, सब भूखे बैठे पड़े हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसा। तो अभी थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कोरजी क्षेत्र में शादी को लेके कुछ विवाद हुआ है, उसमें लड़का पक्ष और लड़की पक्ष में, उसमें पुलिस फोर्स मौके पर है, उसमें जाँच की जा रही है, समस्त तथ्यों से आपको अवगत कराएंगे। सर जैसा कि आरोप लग रहा है कि बारात को बंधक बनाया गया, क्या मामला है? ऐसा सूचना प्राप्त हुई थी कि बारात को बंधक बनाया गया है, लेकिन वहाँ बारातियों से भी बात हुई है, जो उनके पक्ष के लोग हैं, दोनों पक्षों के, उनसे भी बात हुई है, इन लोगों के बीच कुछ समझौता हुआ है, जो इन लोगों के आपसी लेन देन के प्रकरण थे, उसमें इनके पिताजी गए हुए हैं पैसे वैसे लाने के लिए, कुछ इस तरह की बात है। साथ ही इसमें जो है बारात जो आई है वो एक ही बस आई हुई है, और वो बस इन लोगों का ये है कि पैसा आ जाएगा, हम यहीं हैं और उसके बाद ही जाएंगे। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।